नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसानों का कोई मुद्दा शुरू हुआ हो और उससे पूरा का पूरा देश जो है वो प्रज्वलित हो गया हो। कृषि बिल को हटाने को लेकर आंदोलन चल रहा है और सत्ता पक्ष जो है इसको सही बता रहा है। विरोध और समर्थन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति चल रही है। इसी बीच में कुछ लोग अपने बयानबाजी से खुद को चर्चा में भी लाने का कोशिश कर रहे हैं। किसान बिल पर, किसान कानून पर, कृषि कानून पर कहीं कोई जेन्युइन डिस्कशन देखने को नहीं मिल रहा है। इसको देखते हुए मीडिया दर्शन ने एक प्रयास किया है कि लोगों को किसान बिल के फायदे नुकसान और किसान कानून है क्या, इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया जाए। जिसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं IDBPS कॉलेज के प्रोफेसर राघवेंद्र राठौर और रोहतास जिला के वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आप सबसे पहले हमें ये बताइए बिल्कुल आसान भाषा में कि ये कृषि कानून है क्या। कृषि कानून में जो पहले से सिस्टम चलता रहा था कि किसान बस बंधा हुआ था कि सरकारी मंडी जो है वहीं पर अपना अनाज बेच सकता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्लॉज है कि उस APMC जो क्लॉज था वो बाध्यता थी किसानों की, उसको हटा दिया गया। अब किसान स्वतंत्र है, किसी को भी अपना अनाज बेच सकता है। दूसरी बात उसमें थी कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं कहीं भी इंडिया अक्रॉस इंडिया कहीं भी बेच सकता है। और तीसरा एक ठो कानून है जिसमें होर्डिंग को एक तरह से आप कह सकते हैं कि लीगलाइज कर दिया गया है। तो पूरे कानून को समग्रता में अगर देखा जाए तो यही एक इसका निगेटिव आस्पेक्ट है कि इसमें होर्डिंग को और ब्लैक मार्केटिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लीगलाइज किया गया है। क्योंकि पहले जो था वो कुछ ज़रूरी चीज़ों पर होर्डिंग पर लिमिट था, सीलिंग था, उसको हटा दिया गया, अनलिमिटेड होर्डिंग हो सकती है। अखिलेश जी, आपने पत्रकारिता में काफ़ी समय दिया है और जो भी आधारभूत समस्याएं होती हैं उसको लेकर आपने हमेशा आवाज़ उठाई है। ये जो आंदोलन चल रहा है कृषि कानून को लेकर, किसानों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, तो आप हमें, हमारे दर्शकों को बिल्कुल आसान भाषा में बताइए कि ये जो कृषि कानून है ये कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के पीछे जो भी लोग हों, लेकिन जो आंदोलन के माध्यम से मांग की जा रही है वो मांग बहुत हद तक उचित है। पहला सबसे बड़ा जो प्रोफेसर साहब ने बताया अभी कि जो भंडारण का जो बना दिया गया है वो बहुत खतरनाक है देश के लिए। उसमें दिया गया है कि आपातकाल स्थिति और महामारी दो के दौरान केवल आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, बाकी समय आप भंडारण का कोई सीमा ही नहीं दिया गया है। तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ देखते हैं कि अनाज बहुत सड़ जाता है, इन साल अनाज ले लिया गया और अगला साल वो कहेगा कि नहीं हम इस रेट में लेंगे। इसीलिए जो किसानों का मांग है कि जो न्यूनतम दर निर्धारित होता है उसको लागू रखा जाए, ये बहुत बड़ा मांग है जो किसान अभी कर रहे हैं। जो पंजाब में हरियाणा में जो आंदोलन हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो किसान उतने बड़े बड़े हैं नहीं और किसान जो हमारे हैं इतने संकुचित विचार के हो गए हैं, हम कहने में हमको थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा है कि अपने डिमांड को लेकर कहीं उग्र नहीं होते हैं बिहार के किसान, ये दुर्भाग्य है। जबकि पूरी अर्थव्यवस्था करीब 68% आज के किसान, मतलब आबादी यहाँ की, उसी पर निर्भर है, लेकिन छोटे छोटे किसान हैं, आंदोलन कर नहीं पाते हैं कि क्षमता कम है। तो वो जो कानून है भंडारण वाला उसको तो तुरंत हटा देना चाहिए, सरकार को वापस लेना चाहिए, जो पहले था वही ठीक था। इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगा जी, मान लीजिए जो खाने पीने की चीज़ है अब उसका भंडारण करके कोई छूट दे दिया कि जितना भी रख सके अब जैसे बेचे, ये तो उचित कहीं से नहीं है। तो उस कानून को तो पहले सरकार को वापस लेना चाहिए। दूसरा है मंडी का, तो मंडी कहीं बेच दे अच्छा चीज़ है, किसान कहीं भी ले जा करके अपना माल बेच, लेकिन उनके लिए मंडी उपलब्ध कराना होगा। हमारे यहाँ खास करके जो अपने परिवेश में कह रहा हूँ बिहार वगैरह के, तो यहाँ के किसान बहुत बाहर ले जा करके मंडी में नहीं जा सकते हैं। और एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बार बार बात उठती है कि गेहूँ की खरीदारी नहीं और धान की खरीदारी नहीं। किसानों से एक आग्रह होगा कि दूसरा भी खेती करें, उसका डिमांड है, दलहन का है, तिलहन का है, मछली पालन है, गौ पालन है, किसान के पास बहुत सारे विकल्प है और इन सारी चीज़ों में सरकार इन लोगों को बहुत मदद दे रही है, इसकी सराहना होनी चाहिए। हम देखते हैं कि प्रखंड लेवल पे आता है, वहाँ पे दाल का, तिलहन का, सबका बीज बंटता है, प्रोत्साहित किया जाता है, कई तरह की और रियायतें सरकार दे रही है। तो हम धान में ही क्यों फंसे रहे हैं?
और भी फसलों की खेती करनी चाहिए। खेती हो, और दूसरी चीज की जो आपको जैसे एक सरकार ले रही है, हमारे बिहार सरकार की बात, तो पहले नेफेड भी धान लेता था, पहले आपको बिस्कुमान भी धान लेता था, इसके बाद अभी जो राज्य सरकार की जो इकाई है आपको आपूर्ति विभाग की, वो ले रही है। लेकिन क्यों नहीं सबको दे दिया जाए? एक पैक्स में जाते हैं, एक पंचायत में आप 70,000 टन 80,000 टन धान का उत्पादन होता है, लेने का कितना निर्धारित है? कोई भी पैक्स आपको 5 से 15 हज़ार इतना ही में रह जाता है, बाकी किसान का तो धान लिया नहीं जाता है। उसी के लिए पूरा जगह मारामारी है, जो भी 1,868 रुपया सरकार ने इस बार तय किया है। तो एक हो कि सबका धान लिया जाए, खरीदा जाए, उसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। एक मतलब जो सरकार का ये जो कृषि कानून लाया गया है, इसमें एक चीज़ कहा जा रहा है कि बिचौलियों का काम खत्म कर दिया जाएगा, इसमें कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। तो मतलब जो किसान है, दो तरह के किसान होते हैं, एक बड़े किसान एक छोटे किसान। तो बड़े किसान तो मान लीजिए उनके पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है, उनका उत्पादन ज़्यादा है, तो किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनका प्रोडक्ट बहुत कम होता है, तो वो तो डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ टाई अप नहीं कर पाएंगे, फिर तो उनको किसी ना किसी बिचौलिए के माध्यम से ही आना पड़ेगा। तो कैसे लगता है कि ये कानून जो है वो बिचौलियों को ख़त्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। सरकार को चाहिए कि बिचौलिया का माध्यम बना दे, कि जैसे मान लीजिए धान हमारा आपने तय कर दिया कि 1,868 रुपया का देना है, है ना, वो हमसे ले ले 1,768 रुपया का, 100 रुपया निर्धारित कर दीजिए कि इससे कम पे आपको नहीं लेना है, है ना। बिचौलिया को मिलना चाहिए, जब बिचौलिया रहेगा तो आपका मार्केट पकड़ लेगा, सबको किसान को भी फायदा होगा, बिचौलिया भी अपना काम करेगा, चलिए हमको इतना कमीशन मिलता है। लेकिन ये सिस्टम नहीं बना हुआ है। बिचौलिया तो चाहिए हमारे यहाँ जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, आज के डेट में देखेंगे आप तो बिहार में बहुत कम 1% भी किसान नहीं है जिसके पास 50 बीघा 40 बीघा 30 बीघा जमीन हो, सब 10 बीघा 5 बीघा 2-2.5 बीघा में फंसे, वो कहाँ लेकर जाएंगे, उनके पास क्या संसाधन है, वो नहीं कर पाएंगे, अपने लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइए, मंडी के रहने और नहीं रहने दोनों का किसानों पर किस तरह का असर पड़ेगा? तो मंडी को सरकार ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, MSP को भी ख़त्म नहीं किया है। यहाँ पर इस चीज़ को जिक्र भी तो नहीं है उसका कहीं, हाँ MSP का जिक्र भी तो नहीं है। जिक्र नहीं है, लेकिन MSP अनाउंस तो हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो अनाउंस्ड है। अब जरूरत है, मिल रहा है जो किसानों को नहीं, जो पैक्स में धान बेचेगा उस रास्ते पर ही। इसमें इस पूरे एक्ट में जो एक निगेटिव आस्पेक्ट है, मैंने शुरुआत में भी बोला कि वही होर्डिंग के अगेंस्ट गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ये होर्डिंग वाला जो क्लॉज है इस पूरे कानून में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अगर इसको थियोरेटिकली भी सोचें, प्रैक्टिकली भी सोचें, टेक्निकली भी सोचें, तो होर्डिंग कह के का को अलाउ करके गवर्नमेंट किसका फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, ये क्लियर है। ये एक तरह से जो कॉरपोरेट लॉबी है उसका प्रेशर है, नथिंग मोर। ये जो जोग्राफिकल बैरियर खत्म किया गया है कि किसान यहाँ से ले जाकर अपनी फसल को कहीं बेच सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से किसी जगह पर ले जाते हैं किसान और उनका दुर्भाग्यवश उनका फसल नहीं बिक पाता है, तो ये स्थिति, ये जो चीज़ें हैं ये बिहार और UP के छोटे किसानों पर लागू ही नहीं होती है। वो बाहर ले जाके बेचेंगे क्यों? तब बिकेगा ना, कि जब उतना फसल हो, उतना प्रोडक्शन हो। हाँ, ये एक आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट का टारगेट है अभी कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से नहीं है। इसको थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोचिए तो चाइना के पास हमसे कम अरेबल लैंड है, जो कृषि योग्य भूमि होती है उससे कम है, लेकिन फिर भी उत्पादन वहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि उत्पादकता पर उन लोगों ने काम किया। इस गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं टारगेट है कि हम उत्पादकता पर काम करें, ये गवर्नमेंट हो या कोई गवर्नमेंट हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हमको बने रहना है मार्केट में और अपने किसानों को बनाए रखना है तो उत्पादकता पर काम करना पड़ेगा। वो जब उसका रिजल्ट मिलने लगेगा तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र के भी किसान उस स्थिति में होंगे कि दूसरे राज्यों में जा करके बेच सकें या दूसरे राज्यों में सप्लाई कर सकें या एक्सपोर्ट भी कर सकें, जो भी सोच पाएँ उसके बारे में, लेकिन अभी तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी। अखिलेश जी, आपने एक चीज़ बोला कि जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो सिर्फ धान और गेहूं की खेती कर रहे हैं, वैकल्पिक फसलों की तरफ नहीं जा रहे, तो आपके हिसाब से क्या सरकारी तंत्र कहीं कमज़ोर पड़ रहा है जो किसानों को जागरूक नहीं कर पा रहा है? हाँ, सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो देखे होंगे आप कि होर्डिंग लग रहा है, जो बैनर लग रहा है, वो किसी कंपनी से, किसी माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से लगाता है, ब्लॉक पर लगाता है, सरकारी ऑफिसों में लगाता है, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उसको प्रसारित नहीं किया जा रहा है, पहली बार जागरूक नहीं किया जा रहा है।
और जो किसान को लेकर के या सोशल अपने को कहते हैं सामाजिक लोग, उनको बुला करके कैंप करा करके उनको इस दिमाग में बात को डालना होगा कि नहीं अब धान और गेहूँ के क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं। यदि आप एक बीघा में मछली पालन करते हैं तो आप 1,00,000 रुपया कमाएंगे साल में। धान में आप कितना कमाते हैं? 4,000, 3,000, 2,000 कमाते हैं, इससे अधिक नहीं कमा सकते हैं। तो आप ऐसा खेती क्यों करेंगे? दलहन का करें, तिलहन का करें या पशुपालन करें, कई तरह की है। तो उस तरफ किसानों को मोड़ना होगा, जागरूक करके मोड़ना होगा, तभी जाकर के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और दूसरी चीज़ एक तरफ है, किसान को जो यहाँ एक दिया जा रहा है, आपको हम देख रहे हैं कि कई तरह के जो यंत्र आ रहे हैं खेती करने के लिए, जो मिट्टी में पुआल मिलाने का आ रहा है, जो कि जल अलाव जला रहा है, जलाना नहीं पड़े पुआल, इस समय कई तरह का मशीन आ रहा है, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो पूरा सिस्टम एक किसान को बनाना पड़ेगा। तो मैं एक अध्ययन किया तो उसमें 20 से 25 लाख रुपया चाहिए तब सिस्टम आपके पास पूरा होगा, है ना। और हमारे यहाँ के किसान स्थिति में 1% भी वैसा किसान नहीं है कि खेती में 25 लाख रुपया लगा सके, ये स्थिति है। तो सरकार की तरफ सब्सिडी तो दी जा रही है, योजना तो ठीक है, लेकिन धरातल पर अच्छा जो बिचौलिए जो लेकर आ रहे हैं इतना उसका महंगा रेट ले रहे हैं कि सारा किसान कर नहीं पा रहा है। रेंटल बेसिस पर भी तो किया जा सकता है, रेंटल पर तो महंगा पड़ रहा है ना, महंगा तो पड़ रहा है ना, उसका जो लागत खर्चा जरा निकल नहीं रहा है, ठीक है हम रेंटल पर कर लें, मतलब गवर्नमेंट जो कह रही है उस रेट पर भी यदि खरीदारी हो जाए तो किसानों की बचत हो जाएगी, लेकिन खरीदारी नहीं होती है। बताइए आप किसी भी, मैं पूरे बिहार का दावा करके कहता हूँ कि 3 से 5% से अधिक किसी भी पंचायत में धान की और गेहूँ की खरीदारी नहीं होती है। मैं अपने पंचायत में खुद देखा हूँ, मैं तो अपने पंचायत में देखा हूँ कि आज़ादी के बाद 1600 क्विंटल का धान खरीदाया था आपको 2014 तक, मात्र 1600 क्विंटल, बाद में खरीदने लगा 5,000, 4,000 क्विंटल, 10,000 क्विंटल, लेकिन मेरे यहाँ 80,000 क्विंटल तक धान की खेती होती है। तो बताइए कैसे किसान आखिर किसको बेचेंगे? ये केवल धान की बात है, गेहूँ लोग दे नहीं पाते हैं, तलहन की बात यही है। तो स्थिति है किसानों की कि खरीदार तो मिल जाए, सरकारी जो भी रेट निर्धारित हो उसका खरीदार मिलना चाहिए, खरीदार की कमी है, मंडी नहीं रहेगा, मंडी है कहाँ? हमारे यहाँ किसान कोई भी मान लीजिए 200-300 क्विंटल से अधिक, 400 क्विंटल से अधिक धान उपजाने वाला नहीं है, किसान बहुत कम है, वो कहाँ ले जाकर बाहर बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, क्या उनके पास संसाधन है कि जो भौगोलिक सीमा निर्धारित की है कि नहीं, कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, कैसे जाएंगे आखिर लोग? जिस तरीके से इस आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है, प्रोफेसर साहब आप ये सुनते होंगे कि विपक्ष द्वारा हमेशा कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो किसान विरोधी है, क्या लगता है आपको कहाँ तक उनका? नहीं देखिए, जो विपक्ष या जो इस आंदोलन में भी कुछ शामिल लोग हैं, जिस तरीके से सरकार के पास ज्ञापन पहुँचाया गया, जिस तरीके से मांगे रखी गई, उसमें ये सीधे सीधे कह दिया गया बिना किसी कैटेगराइजेशन के कि पूरा कानून वापस लीजिए, पूरा कानून किसान विरोधी है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात की बू आती है कि इस किसान आंदोलन को हवा देने वाले लोग बिचौलिए भी हैं, दलाल भी हैं, क्योंकि जो मंडी है, जो आढ़तियों की मंडी है, वहाँ पर जो कमीशन खोरी होती थी उस वो बंद हो गई, प्रभावित हुई एटलीस्ट, और उससे जो प्रभावित लोग हैं वो लोग इस आंदोलन को हवा देना चाहते हैं और सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो पूरा कानून वापस ले ले, ताकि फिर से वही जो मंडी थी चलते रहे और किसान मजबूरी में वहाँ पर अपना अनाज बेचते रहे। तो इस चीज में अगर किसान के हित की बात होती केवल, तो सरकार से ये मांग रखी जाती कि ये गारंटी दीजिए कि हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहे और हमारी पूरे फसल की खरीद की गारंटी मिल जाए। वो बिचौलियों को कमीशन दे करके, जैसे हमारे भाई ने कहा कि बिचौलियों को कमीशन एक फिक्स करते हुए किया जाए, या सरकारी तंत्र उतना अगर मजबूत है, जो कि नहीं लगता है, तो सरकारी तंत्र से करवाया। आपके अकॉर्डिंग टू अगर एकदम कम शब्दों में अगर बताया जाए तो इस कानून में कितने सुधार की आवश्यकता है? बिल्कुल कम शब्दों में, सिर्फ होर्डिंग वाले क्लॉज को हटा करके और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल कंपल्सन बना दिया जाए, दो क्लॉज कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो मार्केट में जो खरीद बिक्री हो रही है, और होर्डिंग वाले क्लॉज को हटा दिया जाए, होर्डिंग को एक क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल किया जाए, क्योंकि कालाबाजारी रोकने का उससे कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। आप सोच सकते हैं टमाटर किसान से 5 रुपये किलो खरीदा जाता है, मार्केट में हम लोग 80 रुपये किलो खरीदते हैं। अभी एक जियो मार्ट वेबसाइट है उस पर मकई, एक मकई का कीमत 9 रुपया दिख रहा था जी। आप प्रोफेसर साहब के स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं? प्रोफेसर सही कह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो न्यूनतम जो दर है जो सरकार उसको कभी ख़त्म नहीं करे, ये एकदम मतलब गारंटी होना चाहिए कि जो न्यूनतम मूल्य हो
वो कभी ख़त्म नहीं फसलों का, और समय समय पर उसका समीक्षा हो कि क्या लागत खर्च आता है और कितने किसानों को बेचना है। जो कानून बना है उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में उसे समाप्त किया जा सकता है, उसकी गारंटी सरकार दे कि उसे कभी ख़त्म नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो कहे वो केवल पहले जो एक्ट था ही बहुत पुराना एक्ट था उसको जो कि आपको भंडारण का है, भंडारण तो होना ही नहीं चाहिए, भंडारण का जिस तरह से मुझे लिबर्टी दिया गया है, लिबर्टी का पूरी छूट दे दी गई उसको, तो एकदम सबसे मतलब एक काला कानून कहिए किसानों के लिए है, वो बहुत घातक हो, उसको तुरंत समाप्त करना चाहिए केंद्र सरकार को। तो अभी आप लोगों ने सुना हमारे दोनों गेस्ट को, दोनों लोगों ने कृषि बिल को कृषि कानून को आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया, और साथ साथ ये भी कहा कि इस पूरे कानून में सिर्फ दो चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पहला है कि MSP को कंपलसरी कर दिया जाए, जो न्यूनतम प्राइस है उसको कंपलसरी कर दिया जाए, और दूसरा जो है वो भंडारण को एक क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत रखा जाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ।